यार वैसे इंडिया में ना आए दिन कुछ ना कुछ पॉपुलर होता रहता है, कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। लेकिन इस बार जो वायरल चीज़ मैं पकड़ के लाया हूँ वो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन। अब आप सोचोगे यार एक एप्लीकेशन इतना वायरल कैसे हो सकता है भाई, ऐसी कौन सी कमाल की चीज़ है एप्लीकेशन के अंदर की हो गया वायरल, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ यार एक एप्लीकेशन जिसका नाम है फेस ऐप के बारे में। फेस ऐप के थ्रू जो उसमें मॉडिफिकेशन की जा रही है उस फोटो के अंदर, वही फोटो हर जगह शेयर हो रही है। तो हम यहाँ पे बेसिकली इस ऐप के बारे में बात करेंगे। और ऐप में कुछ ऐसी कमाल की चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया गया है और थोड़ी प्रोटेक्शन यूज़ की गई है। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर है कुछ पेड चीज़ें, मतलब कि कुछ फ्री है, कुछ फिल्टर फ्री है, कुछ चेंजेस कुछ मॉडिफिकेशंस फ्री है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको फुल फ्लेज में एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो भैया यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 265 रुपीज़ पर मंथ या फिर 2000 से 2500 के आसपास साल का। तो भाई आप इतने 2500 रुपये डालो साल के, तो आपको पता होना चाहिए कि 2500 जहाँ मैं डालने जा रहा हूँ वो वर्थ है कि नहीं। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये एप्लीकेशन परचेज करी है आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। सो यार ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया अपने फ़ोन के अंदर और ये है यहाँ पे आप देख सकते हो फेस ऐप एप्लीकेशन है। मतलब मेरा ये प्रीमियम ऐप है तो इसमें जो है बैकग्राउंड वो ब्लैक है, अगर आपका प्रीमियम नहीं है तो ये बैकग्राउंड जो है वाइट रहता है। तो एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं और यहाँ पे लॉन्च करते ही जो सबसे पहले आपको इंटरफेस आता है वो आता है यहाँ पे भाई, आपकी पूरी गैलरी यहाँ पे आ जाती है। तो बेसिकली ये आपसे पहले परमिशन मांगता है कि आपको ये गैलरी इसको दिखानी है कि नहीं दिखानी, तो आपको सारी एसेस देनी पड़ेंगी तभी आपकी गैलरी से फ़ोटो पिक करता है। तो चलो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो उठा लेता हूँ ये वाली, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग द फोटो है। अब हम इसके सारे फीचर्स देखेंगे कि ये फ़ोटो के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस फेस ऐप के साथ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आता है इम्प्रेशंस। तो मतलब एंड्रॉयड और iOS में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है और दोनों जगह जो UI है सेम ही होगा, थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें होंगी। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे आई थिंक 6-5 फिल्टर्स है। तो नॉर्मल वाला तो नॉर्मल ही है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बताया जाता है कि भाई हॉलीवुड है, हॉलीवुड और भी है, वेव टू वेव। तो आप ये सारे फिल्टर लगा के यहाँ पे देख सकते हो। मैंने हॉलीवुड 2 लगाया तो कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आया यार। चलो अप्लाई करके मूव ऑन करते हैं। दूसरा जो है वो है यहाँ पे स्माइल का। तो यहाँ पे मतलब आपका चेहरा अगर स्माइलिंग नहीं है और आप स्माइल वाली ना पोज नहीं दे पाते हो तो भैया ये काम कर सकता है, देखते हैं। तो ओरिजिनल भैया देखो फोटो ऐसी है। अब यहाँ पे अगर मैं स्किन टाइट करता हूँ तो मेरा जो ये जॉ है ये यहाँ पर टाइट हो जाता है और ये फ़ोटो ऐसी हो जाती है, ठीक है। क्लासिक में अगर मुझे दांत दिखा के हंसना है तो ये हो गया और ये लिटरली फनी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पता लग रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इतनी एक्यूरेटली काम नहीं कर रही है। अगर मैं वाइड स्माइल करता हूँ मतलब ये ऐसे करके हंसना है मुझे तो ये तो यार आप देख ही लो, हटाते हैं। अपसेट, मैं अपसेट हूँ तो वैसे मैं रहता नहीं हूँ लेकिन अपसेट अगर मैं होता हूँ तो शायद मैं ऐसा दिखूँ। टेक्निकली ऐसा नहीं दिखता मैं, बट कमिंग टू बियर्ड्स तो मेरे पास बियर्ड है लेकिन और थोड़ी लगा लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो भाई सबसे पहले हिपस्टर है। उसके बाद हेयर कलर्स, ठीक है। तो आपको बालों के कौन कौन से कलर कराने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पार्लर वगैरह जा रहे हो कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो बालों में तो यार यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स है वो ले लो। फॉर एग्जांपल ब्लॉन्ड करना है मुझे तो उसके बाद यहाँ पे ग्लासेस हैं तो ग्लासेस में आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, एक सिंपल सा ग्लास लगा लो मतलब आप लेंस वाला, तो इसमें मैं ऐसा देखूँगा। और अगर मैं मतलब सनग्लासेस लगाता हूँ तो यहाँ पे ऐसा देखूँगा बिल्कुल नो एवेंजर का ही, ओके। उसके बाद जो चीज़ है जिसने मतलब इस वीडियो सॉरी जिसने इस एप्लीकेशन के अंदर कमाल और धमाल मचा रखा है वो है भैया यहाँ पे एज का फिल्टर। एज का क्या है, ये फोटो हर जगह शेयर हो रही है और इसमें एक कमाल की चीज़ क्या है कि ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि फ्यूचर में या पहले आप कैसे दिखते होगे या कैसे दिखोगे। दिखाता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तो कैसा दिखूँगा, तो भाई मैं ऐसा दिखूँगा। जो उसकी मॉडिफिकेशन है उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल देखो फिल्टर्स हैं, अलग अलग लेंस ब्लर है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, टैटू लगा सकते हो, विंटेज जो पुराने टाइम की फ़ोटोज़ है वैसे कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट और लाइट वगैरह सब कुछ, और इसको क्रॉप कर सकते हो।
तो यार ये सारी चीज़ें हैं, मतलब चीज़ें तो कमाल की है और एप्लीकेशन भी अच्छा है, क्योंकि इसकी जो पकड़ है, मतलब ये आपके फेस की जो डिटेक्शन ले रहा है, जो एक्यूरेसी ले रहा है, वो लगभग कुछ हद तक काफ़ी अच्छी ले रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर चाहिए सारे फिल्टर तो भैया पैसे फूंक दो अपने, नहीं चाहिए एक दो फिल्टर चाहिए तो यार काम चलाओ, क्या जरूरत है इतने पैसे डालने की। मतलब इतने ज़्यादा फिल्टर भी नहीं है कि आप 250 रुपये के आसपास महीने का दो इसे। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते ही खत्म, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।